bends. राजस्थान की विंड्स। पहले तो यहां से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आजकल जो है थोड़े बहुत यहां से क्वेश्चंस बनने लग गए हैं। क्या बोलते हैं इधर से आने वाली विंड्स को, क्या बोलते हैं उधर से। जैसे अभी अपन ने देखा, अगर जो विंड्स कहां से आ रही है, ईस्ट से है, और कहां बारिश कर रही है, ईस्टर्न राजस्थान में बारिश कर रही है मॉनसून सीजन में, उसको हम क्या कह रहे हैं, पुरवाई कह रहे हैं। ठीक है, वेस्ट से जो चल रही है वो कौन सी है, टू विंड्स है। कब चलती है, समर सीजन में, लू की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट रहती है। ठीक है, तो विंड्स है इन जनरल अलग अलग डायरेक्शन से तो आती है, उनकी हमने अलग अलग नेम रख रखे हैं। जो नॉर्थ से राजस्थान में एंटर करती है इनको हम कहते हैं सराध या धरोड़ या धराऊ। तो साउथ से आती है उसे हम कहते हैं लंकाऊ। लंका कहाँ है, साउथ में, इसको क्या कहते हैं, लंकाऊ। तो ईस्ट से आ रही है उन्हें हम कहते हैं पूर्वा या पुरवाई या पुरवैया या आगुनी। जो वेस्ट से आ रही है उन्हें हम कहते हैं पच्छाऊ या पिछवाई या आथुनी। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं, इनको हम कहते हैं संजेरी। नॉर्थ वेस्ट से आ रही हैं, इनको हम कहते हैं सूर्या। साउथ वेस्ट से आ रही हैं, इनको हम कहते हैं समुद्री। और साउथ ईस्ट से आ रही हैं, इनको हम कहते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन से एंटर करने वाली विंड्स हैं जो राजस्थान में एंटर करती हैं, इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। ये बना लो एक बार। ये भी पॉसिबल थाला विंड्स होती हैं, ये विंड्स होती हैं जिनके साथ वेपर होती है, विंड्स विद मॉइस्चर और वाटर वेपर। जैसे ब्रीजेस टाइप नहीं होती कई बार ऐसी, जैसे एक वो फैन नहीं आता वो आजकल शादी वगैरह में लगा रहता है, जैसे वो कुछ ऐसे सामने खड़े तो ऐसा लगता है पानी आ रहा है अंदर से, है ना। ऐसी विंड्स जो चलती ना ब्रीजेज, इनमें हल्का सा मॉइस्चर हो, उन्हें हम कहते हैं झाला, मॉइस्चर और वाटर वेपर। इसके अलावा विंड्स है तवा। तो ज्येष्ठ के कैलेंडर में जो मंथ होता है ज्येष्ठ का, जिसे हम सबसे गर्म महीना मानते हैं, लगभग जून से कोइंसाइड करता है, ज्येष्ठ मंथ में जो विंड्स चलती है उन्हें बोलते हैं तवा। इसके अलावा एक विंड्स होती है जो विंड्स पौष मंथ में चलती है, पौष बड़े खाते हैं, है ना, वो तो याद होंगे, है ना, पौष बड़ा तो होता होगा। ठीक है, तो पौष मंथ में जो विंड्स चलती है उन्हें बोलते हैं, हल्की सी सीलन रहती है क्योंकि हल्की बारिश हो ही रहती है उस टाइम, तो मावट के कारण और ठंड होती है जिस वजह से थोड़ी सीलन और गलन टाइप रहती है, उसे बोलते हैं सीली विंड्स। और इसके अलावा एक होती है अरडाव। जैसे ये सारे वर्ड्स तो मेरी दादी घर पे यूज कर लेती थी, तो कभी अरडाव। अरडाव ऐसी विंड्स होती हैं जिनके साथ थंडर स्ट्रॉम आए, यानी तूफान जैसा टाइप आए ना, जैसे बिजली कड़क रही है ऐसा, तो उसे बोलते हैं अरडाव। ठीक है, विंड्स विद थंडर स्ट्रॉम, बहुत तेज हवाएं चले और तेज चमके, बादल गरजे, हम कहते हैं अरडाव। लिख लो ये भी।